Hello students, welcome back in digital class session. So our next topic of this chapter number 3, that is quadrant system. What is quadrant system? Quadrant का मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब समझे quad. Quad का मतलब होता है 4. That means जो system है, उसको divide किया गया है 4 parts में. कितने parts में? 4 part में. That's why this system is called quadrant system. System का मतलब होता है एक तरीका management. जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका मैनेजमेंट है एंगल के थ्रू. एंगल अगर 0 टू 90 डिग्री होगा तो वहाँ पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो लाई करेंगे. आपके पास एंगल अगर 90 टू 180 होगा तो वहाँ पर कौन सा एंगल लाई करेंगे. 180 टू 270 होगा तो वहाँ पर कौन सा एंगल लाई करेंगे. 270 टू 360 होगा, वापस कंप्लीट एंगल में पहुँचेंगे अपन, तो वहाँ पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाई करेंगे. गॉट इट? सो आपको ये बनाना सीखना है. फर्स्ट थिंग, रटना नहीं. अगर आपने इसे रटा तो आप भूल जाएंगे जल्दी. अगर आप इसे एक बार आपने बनाना सीख लिया और 5-6 बार प्रैक्टिस कर लिया रफ कॉपी में तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे. तो देखिए, व्हाट इज क्वाड्रेंट सिस्टम. तो फर्स्टली वी ड्रॉ दिस वन क्वाड्रेंट सिस्टम बाय ग्राफ. सी, दिस वन इज वर्टिकल लाइन. नाउ वी ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन. तो दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, both vertical and horizontal intersect at this point. Okay, now we start the angle. अब angle कहाँ से देंगे? आप angle यहाँ से देंगे. This one is 0 degree. First starting, that is 0 degree. Okay, then 0 to this one. Each quadrant, this one will have 4 quadrant here. How many quadrant? 4 quadrant. If I give the name, this one is first quadrant. This one is second quadrant. This one is third quadrant, or this one last is fourth quadrant. Okay, so we start from 0 degree. सबसे पहले जब angle का measurement start करते हैं, कहाँ से start करते हैं? Initiation, that is 0. Initial stage आपकी क्या है? 0. Then after this one angle, कितना दिख रहा है आपको? 90. तो यहाँ पर कितना आएगा? That is 90 degree. Then after again the gap is 180 degree. 90 plus 90 कितना हो जाएगा? 180 degree. Okay. Then after 180 plus 90 कितना हो जाएगा? That is 270 degree. Okay. And the last is again, जब आप यहाँ पर move कर जाएंगे, तो कौन सा angle कौन जाएगा? That is 360 degree. That means we always move in anti-clockwise direction. कौन सी direction में हम move करेंगे? Anti-clockwise direction. Okay. We start from 0 to 90, 90 to plus 90, that is 180, 180 plus 90, that is 270. 270 plus 90, we again at the starting position जहाँ से आपने start किया था, but this one is forming a complete angle. क्या बन जाता है ये? Complete angle. Okay. Then after students, देखिए अब 0 to 90 के बीच में कौन कौन से trigonometric ratios जो रहेंगे वो positive रहेंगे और कौन कौन से negative रहेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना. इसके लिए आपके पास एक short trick use की गई है, A. इसको क्या कहा गया? A S, इसको कहा गया T, और इसको कहा गया C. A S T C, आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद करनी है. Add sugar to coffee, आप ऐसे कह सकते हैं. Add sugar to coffee, या आप कह सकते हैं आजा सीता तलवार चलाए. हिंदी भी याद कर सकते हैं आप. आपकी शॉर्ट ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद होना चाहिए. इंग्लिश का अगर कहें तो देखें एड शुगर टू कॉफी, या फिर कह सकते हैं आजा सीता, एस पर सीता तलवार चलाएं, है ना? इंटरेस्टिंग. तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं. ओके, और व्हाट इज ए? ए का मतलब क्या है अपन देखते हैं. ए का मतलब क्या है? ए मींस ऑल पॉजिटिव. ए का मतलब क्या है? ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव. ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने लिए हैं वो सारे क्या है? पॉजिटिव. That means आपके पास 6 trigonometric ratios हैं. That means these are all positive. और positive क्या रहेंगे? That is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and the last is cosec theta. इसका मतलब इस पूरे quadrant में 0 to 90 degree में आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रहता है वो नेगेटिव नहीं रहता.
इसका मतलब साइन टू लेकर कॉसेट तक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेट थीटा, ये सारे जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। 0 to 90, 0 से आप स्टार्ट करें और कॉट तक जाए 90 तक। अभी अपन देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज कब होते हैं, है ना। 10th क्लास में आपने केवल केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस पढ़ा है, 0 से लेकर 90, दैट मींस साइन 90 प्लस थीटा। ओके, आपने नहीं पढ़ा, आपने केवल माइनस का केस ही पढ़ा है, 0 to 90, साइन 90 माइनस थीटा ही आपने ओनली पढ़ा है, आपके सिलेबस में इतना ही था। बट इन 11th क्लास आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट तक आपके पास है, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा भी हो सकता है, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। ओके, सो सी इन दिस, दैट इज फॉर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। नाउ सी, दैट इज एस, एस फॉर बताओ, एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, दैट इज, दैट इज पॉजिटिव। इज पॉजिटिव कौन कौन होंगे देखें आप एक बार, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा आपके पास साइन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल दिस वन इज कॉसेक थीटा। साइन थीटा पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक थीटा। तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी कौन कौन बच गया, फोर बच गया ना आपके पास, वो फोर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे इन दिस क्वाड्रेंट। फोर कौन कौन से बचे आपके पास, कॉस थीटा दैट इज, टेन थीटा दैट इज, कॉट थीटा, एंड दिस वन इज लास्ट इज सेक थीटा। ये फोर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये माइनस वी का मतलब क्या है, नेगेटिव, प्लस वी का मतलब क्या है, पॉजिटिव। ओके, साइन एस, एस से आपको ध्यान रखना है साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। नाउ थर्ड इज टी, टी मतलब क्या होता है बताओ, टी मींस 10, तो 10 दैट मींस द पॉजिटिव कौन रहेगा, दैट इज 10 थीटा, एंड इज रेसिप्रोकल इज cot थीटा, इज पॉजिटिव। एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव, रिमेनिंग कौन कौन बच गया बताओ जल्दी से, दैट इज sin थीटा, cos थीटा, tan और cot तो यहाँ आ गए, तो बचा कौन लास्ट में, sec थीटा और cosec थीटा, these are negative. Okay, in this from 180 to 270, tan or cot positive and remaining 4 are negative. Okay, then after the last is C, last is C. Okay, C stands for cos, C stands for cos. So positive one one होंगे, पता ही जल्दी से, तो positive is that is cos theta and reciprocal of cos is sec theta, ये दोनों तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग बचे वो सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। दैट मींस जो नेगेटिव आपके पास रहेंगे वो है आपके पास sin theta, cos theta आपने यहाँ ले लिया, तो क्या आएगा, दैट इज tan theta, tan theta के आफ्टर दैट इज cot theta, sec theta आपका यहाँ आ गया, cos का रेसिप्रोकल तो लास्ट में कौन बचता है, दैट इज cosec theta। So dear students, coordinate system is finished. बस इतना सही है coordinate system. इसको आपको ज़्यादा रटना नहीं है. अब आपको इसको use कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे. एक बार से वापस repeat करते हैं. Firstly draw one horizontal, one vertical line. दोनों एक दूसरे को intersect करेगी at a one point. Okay. We start from 0 degree. आपको इसके पहले start कहाँ से करना, right. सबसे पहले जब भी अपन किसी भी काम को स्टार्ट करते हो कौन सा हाथ यूज में लेता, राइट ना, द राइट हैंड से स्टार्ट, है ना। जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा था टेंथ में, कैसे जाते थे, कैसे राइट टू लेफ्ट, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, राइट से, यू स्टार्ट फ्रॉम द राइट। ओके, स्टार्ट फ्रॉम 0 degree, यहाँ से स्टार्ट करना है 0 degree, देन आफ्टर प्लस करेंगे 90 degree, देन प्लस करेंगे 180 degree, देन प्लस करेंगे 180 प्लस 90, दैट इज 270 degree, 270 प्लस 90 करेंगे तो वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, 360 degree। After that क्या करना है, आपने quadrant यहाँ से start किया था, तो आपको यहाँ पर करना है कि first quadrant है, this one is second quadrant। Quadrant किससे अलग हो रहा है, 90 degree angle से अलग हो रहा है, यहाँ पर पहले 90 degree बन गया, then after और 90 बनेगा, that is second quadrant, then after third 90 के लिए, that is third quadrant, then after एक और 90 degree आपके पास कौन था, this one is fourth quadrant। Okay, four quadrant में divide, then after आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपने दिया था ए, ओके, सेकंड एस, थर्ड टी, ओके, एंड द फोर्थ इज सी।
इसको याद कैसे करना है, ऐड शुगर टू कॉफी, ओके। या फिर आप याद कर सकते हैं आजा सीता तलवार चला, ये भी कह सकते हैं, ओके। ए स्टैंड्स फॉर दैट मींस ऑल पॉसिबल। अब ए का क्या रोल है, व्हाई वी यूज ए हियर, दैट इज ए मींस ऑल पॉसिबल। ए का मतलब क्या है, ए स्टैंड्स कर रहा ऑल, ऑल मतलब ऑल पॉसिबल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे इस क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होंगे, दैट मींस ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, ऑल आर पॉजिटिव, ओके। देन सेकंड इज दैट इज एस, एस दैट मींस दैट इज साइन, एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों जो क्या रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे, दैट मींस नेगेटिव कौन कौन से बचे, बाकी कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और ये आपके पास कॉट थीटा, तो ये तो क्या हो गए, बाकी चारों नेगेटिव हो गए, मतलब जो आपने ऊपर दो लिए हैं उनके नीचे दो रेसिप्रोकल आएंगे, यहाँ आपने कॉस और टैन लिया है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ये आएंगे नेगेटिव, ओके। और उसके बाद देखिए फिर टी आता है, टी मीन्स टी से टेन, टी क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट थीटा, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और बाकी जो रिमेनिंग बच गए, बाकी रिमेनिंग हमेशा दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी रिमेनिंग फोर बचेंगे, तो फोर क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, वेरी सिंपल, ये फोर जो है वो नेगेटिव रहेंगे, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा आर नेगेटिव, ओके। तो लास्ट इज दैट इज सी, क्या है सी, सी मीन्स क्या है, सी मीन्स दैट मीन्स आपके पास सी स्टैंड्स फॉर कॉस, इसके लिए आएगा कॉस, इस कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक इज पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव, तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल आपका सेक का रहेंगे पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग फोर आर नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव आर साइन, टैन, कॉट एंड कॉसेक, ओके। कॉट एंड स्टूडेंट्स टेक स्क्रीनशॉट फास्ट ऑफ दिस क्वाड्रेंट सिस्टम, जो आपको याद रखने में इजी रहे, शॉर्ट ट्रिक नहीं भूलेंगे, ए एस टी सी, एड शुगर टू कॉफी और आजा सीता तलवार चलाएं, ओके, टेक स्क्रीनशॉट फास्ट, थैंक यू।